देश भर में सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ती जा रही है, जिसके तहत राजधानी देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वॉर रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 10 और 11 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। अध्यक्ष जोशी ने बताया कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कांग्रेस कमेटी के पद अधिकारी, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करेंगी, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिल सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस की आदरणीय प्रभारी शैलजा जी हमारे बीच में आ रही हैं। इससे पूर्व भी जब उन्होंने यहाँ प्रभार ग्रहण किया था तो यहाँ के सभी सीनियर नेताओं से उन्होंने बातचीत करी थी। अब ये जो उनका 10 और 11 तारीख का जो दौरा है, यहाँ पर ये जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे पीसीसी मेंबर्स हैं, हमारे एआईसीसी के मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर हैं, उनसे विचार विमर्श करेंगी, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसके मद्देनजर उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो यहाँ पे जो हमारे जो भावी कैंडिडेट्स होंगे उनके बारे में विचार विमर्श करेंगी, जो हमारे पार्टी के जो जो नेता लोग हैं उनसे विचार विमर्श करेंगी।